तो व्हाट्स गाइस, कैसे हो सब लोग। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं कोडिंग। वो भी किसके अंदर? हम लोग अपने मोबाइल फोन के अंदर कोडिंग करेंगे, जो कि एक नेक्स्ट लेवल तरीका होने वाला है। मोबाइल फोन के अंदर कोडिंग करने का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा नया होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम भाई मोबाइल के अंदर कोडिंग करने वाले हैं। मोबाइल के अंदर आज हम एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये सब कुछ हम करेंगे, और इसे हम अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं उस चीज के द्वारा जिससे आज हम मोबाइल में कोडिंग करने वाले हैं। उससे हम कंप्यूटर में भी कोडिंग कर सकते हैं, वो वेबसाइट भी है, ऐप भी है, बट कंप्यूटर के लिए और exe नहीं मिलता। कंप्यूटर के लिए आपको वेबसाइट में जाना पड़ता है और मोबाइल के लिए आपको EPK फाइल उसका मिलता है, जो कि प्ले स्टोर पे पहले से ही है। और यार आज हम मोबाइल में कोडिंग करेंगे तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। मैं चाहता हूँ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इस वीडियो पे अच्छा खासा व्यू डालते हैं तो मैं एक सोच रहा हूँ कि मोबाइल पे भी सीरीज डालूंगा, जहाँ पर मोबाइल के अंदर कोडिंग करने का एक्सपीरियंस देखेंगे, मोबाइल के अंदर ढेर सारे अमेजिंग अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो वो तो देख होगा ही होगा, और बड़ा आप मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये जरूर से जरूर बताना, इससे मालूम पड़ेगा मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच चला है। तो भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना भी किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर और देखते हैं कैसे मोबाइल में कोडिंग करना है। गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर। मोबाइल स्क्रीन के अंदर आने के बाद हम लोग जो करने वाले हैं कोडिंग मोबाइल के अंदर, तो उसके लिए हमको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे हम मोबाइल के अंदर कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऐप होगा जिसमें हम मोबाइल के अंदर कोडिंग करने वाले। और मैं आपको पहली बार बता दूं, अब आप लोग मेरे वेबसाइट के द्वारा भी कोडिंग कर सकते हैं अगर आप huntingcoder.me में जाते हैं, जैसे मैं अभी इसमें आया हूं। तो अभी कुछ इस प्रकार का वेबसाइट का इंटरफेस है, अगर आप इस वाले पे क्लिक करते हो, यहाँ पर देखो कोड एडिटर भी मैंने दे रखा है, यहाँ पर आके आप कोडिंग कर सकते हो। यहाँ पर शॉर्टकट्स नहीं मिलते आप मोबाइल के अंदर कोडिंग करते हो तो, क्योंकि VS कोड ऐसा इकलौता सॉफ्टवेयर जो आपको शॉर्टकट्स देता है, जहाँ पर हम VS कोड हुआ और एक और है जो हमको शॉर्टकट्स असाइन करता है, पर बाकी कोड एडिटर हमको असाइन नहीं करते। मैं यहाँ पर आके नॉर्मली कोडिंग कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं, एक काम करता हूँ पहले मैं दो बार ऐसे ऐसे कर लूंगा। मोबाइल के अंदर थोड़ा कोडिंग करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी देखो मेरे पास यहाँ पर मुझे ये दो चीज शो कर रहा है, अभी मैं H1 डालूंगा इधर, एक मैं प्यारा सा H1 डालूंगा, और यहाँ पर आने के बाद इसको क्लोज भी करने वाला हूँ। तो H1, और मैं इधर लिख देता हूँ लेटेस्ट से YouTube, और मोबाइल के अंदर कोडिंग करने का ये फायदा होता है कि यहाँ पर हमको शॉर्टकट्स इधर ऊपर मिल जाते हैं, जहाँ पर हम कुछ भी लिखना था तो हमको वहाँ पर पूरा दिखा देते हैं। फैमिली में कुछ ऐसा डाल दूंगा, अब मैं यहाँ पर CSS भी डाल सकता हूँ। देखो YouTube फैमिली आ गया, मैं CSS भी डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। मैं बोलूंगा जो मेरा H1 टैग है अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर मिलेंगे मुझे यहाँ पर ये कैप्स लॉक चालू हो रखा है, कैप्स लॉक नहीं चाहिए मुझे प्लीज H1। तो मैं मोबाइल के अंदर थोड़ा कोडिंग करना इसके लिए कॉम्प्लीकेट हो जाता है, क्योंकि हम लोग को आदत है कीबोर्ड पे करना खट 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 मजा आता है, पर यहाँ पर मोबाइल में हमको छोटा सा कीपैड मिलता है, इसके अंदर कोडिंग करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब चलो मैं लिखता हूँ, जैसे कि कलर जो है इसका मेरे को चाहिए, तुम कर दो वाइट। और देखो कलर वाइट हो गया होगा, नहीं दिख रहा है। और मैं बोलूंगा जो बॉडी है मेरा, जो बॉडी टैग है, ये मेरा बॉडी नहीं है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर का बॉडी, वो सब आपको इसमें दिया है मैंने, क्या कर रहा हूँ बॉडी, और उस बॉडी टैग के अंदर एक प्यारा सा बैकग्राउंड कलर ऐड कर दो। पहले तुम इसमें ऐसा करो, और वो कलर रहेगा क्या, उस कलर को रेड कर दो, ब्लैक कर दो एक काम करो। और ये हुआ क्यों नहीं, मेरा बैकग्राउंड कहाँ गया भाई, सोचो बैकग्राउंड कहाँ गया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। देखो मोबाइल के अंदर भी हम लोगों ने मेरे वेबसाइट के द्वारा कोडिंग कर पा रहे हैं, मेरी वेबसाइट में आपको ये सब खासियत मिल जाएगा अभी के लिए। और यहाँ पर तो और भी सारी चीजें मैंने ऐड कर दी है, जैसे मैंने इसका कलर थोड़ा आइस कम्फर्ट कर दिया, जिससे आंखों पर ज्यादा जोर नहीं आएगा मोबाइल चलाते वक्त भी, और कंप्यूटर के अंदर भी काम करते हो तो आंखों पर ज्यादा जोर ना आए, इसके लिए मैंने यहाँ पर आइस कम्फर्ट दे रखा है। और आप देखो तो यहाँ पर कोर्सेस भी है अपने नॉर्मली, है ट्यूटोरियल भी है, ट्यूटोरियल में भी अभी मैं थोड़ा CSS का डाल रहा हूँ, ब्लॉग्स हैं जो कि दो ही ब्लॉग है अभी। तो वैसे मैं मोबाइल के अंदर थोड़ा कोडिंग करने में मजा आता है, और आपको डाउनलोड टूल मिल जाएगा नोट्स भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को जो करना है, हम लोग को भी कोडिंग मोबाइल के अंदर, वो तो वेबसाइट के द्वारा मैंने किया है।
हमको ऐप के द्वारा करना है जो कि नेक्स्ट लेवल बात है। तो सबसे पहले हम ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो कौन सा ऐप है जिससे हम कोडिंग करने वाले मोबाइल में, तो सबसे पहले बता देता हूँ, उस ऐप का नाम है रेप्लिट। हम लोग रेप्लिट के सहायता से मोबाइल के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। और रेप्लिट की एक विशेषता भी है, जहां पर हम अगर कोई भी चीज कोड लिखते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं, तो हम उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई डोमेन होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सीधा एक एज अ लिंक रहता है रेप्लिट का, जिसे आप शेयर कर सकते हो। तो वही तो हम मदद से कर सकते हैं रेप्लिट के अंदर कोडिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्ले स्टोर में जाऊंगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्ले स्टोर, और मैं गूगल प्ले स्टोर में आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा रेप्लिट, ये रहा सेकंड ऑप्शन है। तो अब देखो रेप्लिट के अंदर आ चुके हैं, रेप्लिट कोड एनीथिंग, आपको ऐसा कुछ मिल रहा है देखने को। और यहाँ पर आप लोग देखो तो 4.5 इसका रिव्यू तक दे चुके हैं भाई बंदो लोग ने, लोगों ने इसका। और इसमें फोटोज देखो पहले, कोड एनीथिंग एनीवेयर प्रोग्राम फुल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम योर फोन मेक लॉन्च वेबसाइट गेम्स बूट एंड मोर। देखो जैसे यहाँ पर आप देखो तो एक लिंक दिया है http://gallery.marc.repl.com को, ऐसे हमको भी लिंक मिलेगा जो हम शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी दोस्तों के साथ, और उन लोग भी हमारे वेबसाइट के अंदर आ सकते हैं, जो कि नेक्स्ट लेवल होता है यार। और तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इंस्टॉल पे करूंगा क्लिक, और ये इंस्टॉल हो जाएगा फटाफट से। और अगर आपने अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करो, और आप अपना जरूर से जरूर अपना नाम और आप कहाँ से ये कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर रेपली डाउनलोड हो रहा है, इसका लोगो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव सा लगता है, देखो ना बहुत प्यारा दिखता है इसका लोगो मुझे। और यहाँ पर ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फटाफट से, और यहाँ पर आ चुका है देखो कोड एनीथिंग एनीवेयर। मैं स्टार्ट कोडिंग करूंगा, बट मेरे पास पहले से अकाउंट है। अगर आप स्टार्ट कोडिंग करोगे तो ये आपको साइन इन करने बोलेगा। यहाँ पर देखो फोल्डर आ चुके हैं, मेरा शायद से गूगल से लॉग इन हो चुका है, क्योंकि मैंने अभी इसमें कोडिंग करा था मोबाइल के अंदर ही। तो अभी देखो मेरे पास यहाँ पर कुछ इतने सारे लास्ट वीक लास्ट मंथ और दिस ईयर के पहले का है। तो अगर मैं आपके में ये सब कुछ नहीं दिखाएगा, आपके में तो मतलब प्योर खाली रहेगा ये, तो आप लोग को ये बात है ना, मैं किसे काम कर रहा था रैपिड में, बहुत पहले से करता आया हूँ मैं, एज अ पहले ये वेबसाइट था। अगर मैं इसका वेबसाइट दिखाना चाहूँ आपको तो वो भी मिल जाएगा गूगल क्रोम के अंदर शायद से मिल जाएगा। तो उसका नाम था replit.com। तो replit.com का देखो वेबसाइट भी है, ये आपको कंप्यूटर में भी आप चला सकते हो, मोबाइल में भी चला सकते हो। पहले जब रेप्लिट का ऐप नहीं था तो हम मोबाइल के अंदर से मैं रेप्लिट के द्वारा कोडिंग करा करता था, या तो मैं अपने वेबसाइट से ही कोडिंग किया करता था। मेरे वेबसाइट में बहुत पैसे को एडिटर डाल रखा हूँ, बट मैंने उस वक्त पे पब्लिक नहीं किया था, ऐसा प्राइवेट ही था मेरा कोड एडिटर, जो मैंने वेबसाइट में भी आपको दे दिया है पब्लिकली कर दिया, बट उस वक्त प्राइवेट था, बट अभी ये पब्लिक भी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस वेबसाइट को बंद करके मैं जाऊंगा रेप्लिट के ऐप पे, और इधर आने के बाद मैं क्या करूंगा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। अब देखो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको तीन बटन दिखते होंगे, होम अकाउंट और यहाँ पर क्रिएट। आप यहाँ पर आके किसी को भी फॉलो भी कर सकते हो रैपिड में, अगर मेरे आईडी पे आओ कोड विद विद, मैं इसको रिनेम करना भूल गया हूँ लगता है, अभी तक कोड विद विद ही है, कोड विद विद 3 पे, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप यहाँ पर आके मेरे को फॉलो भी कर सकते हो, चलो बाद में इसको चेंज करेंगे, अभी के लिए तो ऐसे जाने देते हैं। मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप देखो तो यहाँ पर मेरे को क्रिएट करने का एक नया प्रोजेक्ट था। देखो आप होम पे रहोगे तो होम पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जहां पर आपका प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, रिसेंट प्रोजेक्ट्स। और मैं भी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं करने वाला हूँ एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, जो कि HTML CSS JavaScript का होने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इस क्रिएट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर देखो नीचे की तरफ आपको रिकमेंडेड मिलेगा। जैसे आप नीचे स्क्रोल डाउन करोगे, स्क्रोल करोगे तो आपको रिकमेंडेड मिलेगा, उसके अंदर आपको पाइथन है, HTML CSS JavaScript है, और C++ है। व्यू मोर करोगे और भी ढेर सारे आपको यहाँ पर भाषा मिल रही हैं, आपको उनमें से किसी में नहीं जाना है, आप लोग सीधा आ जाओ HTML CSS JavaScript पे, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर टाइटल देना है। मैं अभी के लिए टाइटल देता हूँ मोबाइल कोडिंग लाइफ बेस्ट थिंग, लाइफ बेस्ट थिंग, थोड़ा शॉर्टकट हम लोग को भी मोबाइल से, मैंने ची पैड से सीखा है। मोबाइल कोडिंग, मोबाइल इन कोडिंग इन मोबाइल लिखना चाहिए मुझे, लाइफ बेस्ट कोडिंग इन मोबाइल, थोड़ा वो कीबोर्ड का मेरे को पता है आदत सी पड़ गई थी इसके, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल में कुछ
जीप की क्या बोलते हैं, गूगल का जो कीबोर्ड है उसमें ये जो मिलता है ना कि आप यहाँ पर से ड्रॉ करके कर सकते हो, मैंने वो सीखा है तो मेरे को उससे आसानी पड़ जाती है, वरना मेरे को लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मिस्टेक्स भी होते हैं कई बार। चलो कोडिंग इन मोबाइल इज बेस्ट एवर, पता है कोडिंग इन मोबाइल बहुत है इतने यहाँ के लिए, और मैं इसको क्रिएट करूंगा। कोडिंग इन मोबाइल नाम नाम का मैंने टॉपिक डाला और मैं इसको क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से ये रेपिड का लोड हो रहा है कोडिंग इन मोबाइल, आपको ऊपर देखो टाइटल भी देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पर अभी हमारा ये फोल्डर है, जैसे हम अपना कंप्यूटर में न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, देखो यार यहाँ पर HTML का बॉयलर प्लेट भी लग गया, डॉक्यूमेंट HTML हेड मेटा टैग्स है, और यहाँ पर देखो इन लोगों ने पहले से ये कुछ एमिट्स भी दे दिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो न्यू टैब में मेरे को ये समय क्लोज नहीं करना है, यहाँ पर आता हूँ इस पर क्लिक करूँ। अगर देखो आप यहाँ पर ही नीचे देखो तीन लाइनें दिख रही होंगी आपको, ये वाली लाइनें मैं कैमरा में दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाली लाइनें, हाँ ये वाली लाइनें पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का बफर आता है। ये बफर जो आ रहा है यहाँ पर आप देखो तो तीन फाइल पहले से आपको मिल रहा है, index.html, script.js और style.css। आप यहाँ पर नए फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं इससे करके, जैसे मैं भी एक नाम बनाता हूँ tut1.html, तो ये एक HTML फाइल बन गया। अभी मैं अगर tut1.png बनाऊं तो एक फोटो बन जाएगा। आप यहाँ पर फोल्डर भी बना सकते हो, चाहिए तो अपलोड करना चाहते हो कोई फोटो हुआ कोई भी चीज हुआ तो आप उसको भी कर सकते हो यहाँ से, जो कि अच्छी बात है। और मैं अभी इसको बंद करूंगा, मैं अगर इस पे क्लिक करता, ये देखो यहाँ पर जो चार डब्बे दिख रहे हैं, यहाँ पर आप टैब्स बना सकते हो मल्टीपल टैब्स, जो कि एक नेक्स्ट लेवल बात है। मैं इस पे क्लिक करके फिर से रिटर्न आ जाऊंगा, और आपको यहाँ पर रन बटन भी देखने मिल रहा है जिसको आप रन करके अपने कोड को रन कर सकते हो। फिर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैं रन करूंगा, एक नया टैब खुलेगा वेब व्यू, जहां पर आ चुका है हेलो वर्ल्ड। अभी आप लिंक देख सकते हो http://coding.in/coding.in/mobile, वाओ डॉट कोड विद 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 3.co होगा, रैपिड डॉट को, अभी कोई बात नहीं चलता है। मैं इंडेक्स मैं यहाँ पर स्वाइप करके देखो, मैं इस नीचे जो आपको एक प्यारा सा स्क्रोल बार दिख रहा होगा ये वाला देखो, जहां पर ये वाला स्क्रोल बार अगर आपको दिखता हो तो आप इसको स्क्रोल करके तुरंत वेब व्यू में भी जा सकते हैं, और इसको मतलब स्क्रोल करके आप आराम से काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी आदत है, अच्छी बात है जो इसमें मेरे को मिल जाती है मोबाइल के अंदर कोडिंग करने में। और सबसे पहली बात, अभी हम कोडिंग करते हैं पहले तो मैं ये जो एमिट्स है इनको हटाना पसंद करूंगा, मेरे को ये एमिट्स नहीं चाहिए। तो मैं कैसे हटाऊं, मैं इसको एक काम करूंगा पूरे को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, बैक स्पेस मार दूंगा बहुत से, और ये स्क्रिप्ट टैग है तो मैं स्क्रिप्ट टैग को काम करूंगा, जितने भी स्क्रिप्ट टैग्स हैं इन सबको मैं नीचे की ओर फेंकूंगा। मैं ऐसा कट करके मैं क्या करूंगा, ये स्क्रिप्ट टैग को इधर डाल दूंगा बॉडी के, बॉडी और एचटीएमएल के बीच में। चलो ठीक है, इसको क्या मैं यहाँ से इसको, जी नहीं ये हो नहीं हो रहा, तो अभी यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा है, मैं काम करूंगा इसको कट कर दूंगा। मैं यहाँ पर एक H1 का टैग डालूंगा, तो यहाँ पर आपको देखो तो आपको कर्ली सॉरी ग्रेटर देन स्मॉलर, ग्रेटर और स्मॉलर का ब्रैकेट पहले मिल जाता है। यहाँ पर देखो ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन, और यहाँ पर स्पैन टैग आ चुका है जो कि बहुत बेकार बात है, मेरे को स्पैन टैग नहीं चाहिए था, डिव दिखाओ तो एक डिव टैग है इधर। देखो अब इस पर क्लिक कर दो तो आपको यहाँ पर पहले मिल जाता है कौन सा टैग आपको यूज करना है। देखो अभी ये डाल दिया इन लोगों ने, क्या पहले जब मैं तब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इसको यूज कर रहा था ना गाइस, तब यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा था शॉर्टकट्स। ओके नाइस, यहाँ पर H1 मेरे को नहीं मिल रहा है, पर वो थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा। पर मैं H लिखूं तो क्या इन लोग मुझे H1 शो करेंगे मोबाइल में, थोड़ा सा दिक्कत आपको देखने मिलेगा मोबाइल के अंदर भी, क्योंकि यार देखो हाँ इन लोग शो कर रहे हैं H से जो जो टैग आ रहे हैं, ये रहा H1, मेरे को H1 चाहिए था। चलो बहुत सही, यहाँ पर ये इसको बंद करना पड़ेगा, और इतना बड़ा नहीं चाहिए यार, यहाँ से इसको थोड़ा हटाओ, स्पेस कम होने में बहुत ज्यादा स्पेस तुम दे घेर लिए हो। तो मैं लिखता हूँ लेट्स से अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे मेरा नाम है आर्यन पांडे, ये ग्रीन लाइन क्यों शो हो रहा है, पांडे जी कर दूँ तो आर्यन पांडे में कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए इन लोग में, चलो कोई नहीं। और फिर मैं एक क्या कर सकते हैं, मैं कुछ लिंक डालता हूँ, जैसे कि पहले मैं ये देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने अपने एक वीडियो के अंदर उस बात पे डिस्कस किया था, किस चीज पे, जहां पर हम लोगों ने
लिंक्स को ऐड किया था, याद है आप लोगों को, गूगल का लिंक ऐड किया था, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ये सब का लिंक ऐड किया था, वो भी मैं इस पे करने वाला हूँ। सो वो नेक्स्ट लेवल होने वाला, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये वाला आइकन। अच्छा इससे मैं यहाँ से देखो, इस चीज से आप यहाँ से वहां जा सकते हो। देखो ये हमारा एरो की हो गया, जो लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड के लिए एरो की होता है, राइट साइड के लिए एरो की होता है अपने कीबोर्ड के अंदर, वो यहाँ पर भी है। चलो ये अच्छी बात है, मैं अभी इसको वैसा कर देता हूँ। ये एक एक चीज हट क्यों जा रहा था। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिंक्स एंड इमेज, लिंक्स एंड इमेजेस के हम लोग ने वीडियो में किया था, ये याद आया मेरे को, याद आया ये कार्यक्रम हम लोग ने लिंक्स, ये वाला कार्यक्रम हम लोग ने लिंक्स एंड इमेजेस के वीडियो में किया था। तो चलो मैंने यहाँ पर एक H1 टैग दिया और मैं यहाँ पर एक डिव बनाने वाला हूँ। तो मैं लिखूंगा डिव, बना दिया एक मैंने प्यारा सा फटाफट से, और इस डिव के अंदर मैं एक क्लास भी डालना पसंद करूंगा। तो डिव के अंदर एक क्लास होगा जो कि, उसके लिए पहले मैं को इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट सॉरी डबल कोटेशन मार्क भी देंगे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा लिंक्स, लिंक लिखूंगा लिंक्स। और फिर इसके अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर एक ए टैग डालूंगा जो कि हर्फ के साथ हमको मिल जाएगा, ए टैग बहुत सही। इसको कंट्रोल डी तो कर नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा, एक तो चीज प्रॉब्लम ये है कि ये डबल डबल मार्क आ जा रहा है। मैं इस लाइन को पूरे को कॉपी करूंगा, तो हाउ कैन आई कॉपी दिस होल लाइन, अरे सिलेक्ट हो जाओ मेरे दोस्त, हाँ चलो सिलेक्ट हुआ, मैं इसको कॉपी मारूंगा और नीचे आने के बाद पेस्ट। एक ही बारी शो करना था तेरे को भी, मैं चार बारी का करूंगा। मैं एक अपने वेबसाइट का लिंक डालूंगा, एक google.com का डालूंगा और एक YouTube का भी डाल दूंगा, और देखते हैं किसका किसका डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गूगल डालूंगा, गूगल, फिर एक अवर वेब माई वेबसाइट लिखूंगा अभी के लिए मैं माई वेबसाइट, और एक किसका डाला जाए, YouTube का डाल देते हैं, और मैं एक चौथा डालूंगा, चौथा डाल देता हूँ किसका डाला जाए, चलो तीन बहुत है अभी के लिए लगता है, तो मैं तीसरा अरे क्या कर क्या दिया मैंने यहाँ पर, डिव क्यों बंद हो गया, हट गया, मैं इसको हटा दिया था ना, तो नीचे कैसे पहुंच गया वो बटन, अरे अरे यार यहाँ पर तो दिक्कत बहुत हो रहा है। अरे यार चलो कोई नहीं, मैं इसको रन करके देखता हूँ पहले, और ये थोड़ा सा टाइम लिया, देखो आ चुका है लिंक्स एंड इमेजेस, गूगल, माय वेबसाइट एंड यूट्यूब, बहुत सही। मैं आता हूँ इधर, मैं एक काम करूंगा यहाँ पर आने के बाद इंटर मारूंगा एक और, दो बार इंटर मारूंगा थोड़ा साफ साफ रखने के लिए। एक और डिव बनाऊंगा और इस डिव के अंदर मैं एक और क्लास डालूंगा, और वो क्लास रहेगा हमारा क्या रहेगा, इसको मैं इमेजेस दूंगा, ठीक है, तो इमेजेस इमेजरीज इमेजेस ओके। थोड़ा देखो मोबाइल में कोडिंग करने के बाद आपका ना हाथ में थोड़ा ज्यादा दर्द देगा, उंगलियों में ज्यादा करके, क्योंकि जहां पर आप इतने बड़े कीबोर्ड में टाइप करते हो और इतना बड़ा डिस्प्ले एक बारी में देख रहे हो, वहां पर आपको एक 3x2 या तो 4.5 इंचेस का मोबाइल मिलता है, जिसके साथ आपको एक क्वाट्री जो भी बोलते हैं इस कीबोर्ड को वो मिल रहा है, नंबर पैड भी मिला, नंबर पैड आपको बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा, ये सब थोड़ा आपको देगा शॉकिंग काम है मतलब, पर मोबाइल में कोडिंग करने का एक गाइस मजा अलग होता है, ठीक है। मैं एक काम करूंगा फटाफट से यहाँ पर एक इमेज टैग डालूंगा, अच्छा मैं इमेज किसका डालूंगा, मेरे को खुद का इमेज डालना है, तो उसके लिए मेरे को इमेज ढूंढना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ इमेज ढूंढता हूँ, देन आपसे मिलता हूँ। कोई फोटो अच्छा खासा नहीं मिला था, तो मैंने अपने दोस्त के साथ फोटो लिया है जो कि थोड़ा ठीक ठाक था, और तो वो फोटो मैंने लिया है यहाँ पर, और क्योंकि वो फोटो थोड़ा मेरे को अच्छा भी लगता है, तो मैंने वो फोटो डालने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखो उसके लिए फोटो अपलोड किया, आप कैसे फोटो अपलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस इधर आना है 3 डॉट्स पे, अपलोड फाइल पे क्लिक करके आपको यहाँ पर इस इमेजेस वाले पे क्लिक कर देना है, अगर आप इमेज अपलोड करना चाहते हो तो आप कोई भी इमेज ले सकते हो, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर एक इमेज ले रखा है जो कि कुछ इस प्रकार का इमेज है, जो मैं और मेरे दोस्त साथ में गए थे घूमने, वहां का फोटो है, मैंने वो रखा लिया। मैं क्या बताऊँ, कुछ अच्छा फोटो मिल ही नहीं था। तो ठीक है चलता है, और ये सबको क्लोज करो पहले, ये सब हटाओ, क्लोज टैब। तो मैं इस फोटो को भी क्लोज टैब कर दूंगा और यहाँ पर चलेगा, चलो कोई नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इमेजेस के अंदर आने के बाद बोलूंगा कि स्लैश, मैंने इसका नाम रखा है as.png, आई थिंक .png होना चाहिए वो, मुझे क्योंकि कंफर्म मालूम नहीं है। स्लैश इमेज डॉट एएस डॉट पीएनजी होना चाहिए, भगवान के लिए प्लीज रन हो जा। तो इमेज इधर शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मैंने स्लैश एएस डॉट जेपीजी है, मेरे को लग ही रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो भाई अभी दोस्त के साथ फोटो मिला तो वही डालेंगे जेपीजी, तो मैं इसको रन कर दूंगा। आई थिंक अब रन हो गया, हो गया। फोटो देखो यार बहुत ज्यादा बड़ा रखा है मोबाइल के हिसाब से, अब देखो इस पर मैं ही कहा हूँ, ये रहा शायद से, ये रहा, मैं देख रहे हो फोटो बहुत ज्यादा बड़ा गया है। तो इसको हम सही करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा मोबाइल से बड़ा है, मेरे स्क्रीन के हाइट से देखो तो। ओके मैंने देखो ये वाला फोटो डाला है, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम लोग, वो सीएसएस के द्वारा होगा। तो अभी के लिए एचटीएमएल का कोड मेरे ख्याल से इतना नहीं हुआ है, अभी हमने इमेज लिंक्स ऐड नहीं किए, तो लिंक्स ऐड करना सबसे बड़ा एक टफ काम होने वाला है। तो सबसे पहले बारी में क्या करने वाला हूँ, अपने वेबसाइट का लिंक उठाने वाला हूँ, तो हंटिंग कोडर डॉट मी, इस पूरे को मैं करूंगा कॉपी और इसको मैं अपने माय वेबसाइट के पास जाके इधर पेस्ट कर डालूंगा, दैट्स इट। और गूगल का तो आसान ही है, www.google.com, पर तभी भी हम google.com पूरा लिखेंगे। और इसको मैं कर लूंगा फिर से कॉपी और इसको मैं गूगल के पास जाके पेस्ट करने वाला हूँ। और एट द एंड हमको यूट्यूब का चाहिए, रैपिड के पास कहाँ पर गया मैं, यूट्यूब। तो यहाँ पर सारे तैयारी करके बैठा हूँ, कॉपी ओके, यूट्यूब का भी पेस्ट कर दिया हमने, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। अभी हमारा सबसे मेन काम क्या होने वाला है, सबसे पहले फोटो का हाइट विड्थ सही करेंगे, इनको एक लाइन में लाने का कोशिश करने वाला हूँ मैं, कलर चेंज करेंगे इस लिंक से, इमेजेस का कलर चेंज करेंगे, एक अच्छा सा लुक देंगे। तो लेट्स गो, मैं इस पे क्लिक करके स्टाइल डॉट सी एस एस में जाऊंगा। आई थिंक मैंने कोई क्लासेस दिए है क्या, तो पहले एक सेकेंड इन चीज को हटाओ, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, आई डोंट डिडंट वांट दिस। ओके ठीक है चलो, अगर देखो पहले से यहाँ पर हमको स्टाइल शीट भी इंक्लूडेड मिल रहा है। ओ भैया इधर आओ ना, इंडेक्स, अरे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के व्यू में क्यों लेके आ गया, मैं कोई वेब व्यू इधर है, एक सेकंड मैं कोडिंग इन मोबाइल पे से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा बहुत कई बार होता है ना मोबाइल, शायद से मैंने कुछ गलत की दबा दिया होगा, तो उसके लिए मेरे को हर चीज उल्टा पुल्टा दे रहा हूँ। चलो सही हो गया, तब देखो तो यहाँ पर मेरे को पहले से एक स्टाइल डॉट सी एस एस इंक्लूड इन लोग करके देते हैं, जेएस फाइल भी पहले से इन लोग इंक्लूड करके देते हैं, तो आपको यहाँ पर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलो पहले मैं जाता हूँ सी एस एस के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या बोलूंगा कि मैंने पहला पहला क्या करना है, मेरे को जो डॉट लिंक्स के अंदर जितने भी ए हैं बोलूंगा, जो डॉट लिंक है, पहले तो मैं एक स्टार डालूंगा, क्या डालूंगा, एक स्टार, और इसको मैं करूंगा ऐसे, और यहां पर लिखूंगा, चलो यहां पर मैं लिखूंगा जो मार्जिन होगा, चलो यहाँ पर ये दे रहे हैं कि शॉर्टकट्स थोड़े बहुत आपको मिल जाते हैं, मार्जिन कर दो 0, M0 मतलब मार्जिन 0, और पैडिंग भी मैं 0 डाल दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, दोनों में 0 0 कर दूंगा, थोड़ा इन लोग का सा सट जाएंगे, मैं दिखाता हूँ क्यों किया मैंने ऐसा, 0 तो ये चीज ठीक है। अब मैं जैसे रन करता हूँ तो अभी आप देखो तो इन लोग सट जाएंगे एक दूसरे से, मतलब यहाँ से एकदम कोने में जाके सट जाएंगे, देखो ऐसा हो गया ठीक है, जो मेरे को चाहिए था बहुत सही। अब मैं क्या करूंगा, बोलूंगा जो डॉट लिंक्स के अंदर ए है उनको पहले तो एक, यहाँ पर आने के बाद मैं ये करूंगा, ओके आई थिंक डॉट लिंक्स मैंने एल कैपिटल नहीं रखा हो,
बहुत सही, मैं बोलूंगा इनका टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दो, तो टेक्स्ट डेकोरेशन हम करेंगे इनका नन। मैं यहाँ पर ये भी डाल दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा मैं नन, एंड दैट्स इट। मैं इसको रन करके देखता हूँ, टैक्स डेकोरेशन नन हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, हो गया, नाइस। अब मैं क्या करूंगा, बोलूंगा इसका कलर कर दो ब्लैक, ठीक है, तो मैं लिखूंगा कलर, और इसका कलर शुड बी ब्लैक ओनली। और मैं एक इसमें फंट फैमिली भी डालूंगा, और इसका फंट फैमिली जो रहेगा वो रहेगा एक मोनेस्पो नाम का आता है, स्पेलिंग शायद से सही होनी चाहिए, यही होती है मोनेस्पो, मोनेस्पोस, चलो यही, मैं कुछ स्पेलिंग मैंने शायद से गलत लिख रहा हूँ, लेट्स चेक इट आउट। मैं काम करता हूँ, छोड़ो ना लेता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, और यहाँ पर इतना इसको छोड़ देता हूँ अभी के लिए। मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले मेरे को फोटो का हाइट विड्थ सही करना है, तो मैं बोलूंगा जो डॉट इमेजेस है उसके अंदर जो IMG टैग डाल रखा है मैंने, तुम फटाफट उसको एक जाओ, अच्छे से सही करना है मेरे को उसको, क्योंकि पहले इधर आ जा, मैंने डॉट इमेजेस लिखा है कि क्या लिखा है, डॉट आई कैपिटल है तो ये आई शुड बी कैपिटल, तो इसका मैं हाइट पहले रखूंगा, इसका हाइट रखूंगा मैं 200 पिक्सल अभी के लिए, क्योंकि मोबाइल के अंदर क्रोम टूल तो नहीं मिलने वाला है हमको, तो हाइट हमको थोड़ा ध्यान से मैं रखूंगा, तो इसके लिए मैं 200 पिक्सल अभी के लिए रखूंगा, कम पड़ेगा तो मैं बाद में बढ़ा लूंगा, तो 200 पिक्सल। और जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो क्या मेरे को शो हो रहा है, क्या ये अपने हाइट को कम किया, और ओके इसने हाइट अपना कम कर लिया, इसको मैं देखो तो एकदम बराबर आ चुका है, मैं इसको सही फ्लैक्स कर दूंगा तो थोड़ा सही जाएगा, हाइट एकदम बराबर हो चुका है मेरे को, इतना से थोड़ा सा मैं ज्यादा कर सकता हूँ, मैं 200 का 400 कर दूंगा तो भी सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम शो नहीं होनी चाहिए फेस, नहीं होनी चाहिए मुझे इसमें, रिफ्रेश हुआ इमेज बड़ा, हाँ ये इतना चलता है। मैं इसमें मार्जिन टॉप भी दे दूंगा, एक काम करूंगा मैं लिखूंगा जो मार्जिन टॉप होना चाहिए, मार्जिन प्लस नहीं यार, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप मैं रखूंगा 112 नहीं 14 पिक्सल, और जब मैं इसको रन करता हूं तो मार्जिन टॉप आ गया होगा 14 पिक्सल तक का। ओके गाइस बहुत सही, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर भी, इसको करने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं लिखूंगा जो लिंक के अंदर एज है उनका डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स, नहीं डिस्प्ले में ब्लॉक कर दूंगा, या तो इनलाइन देखते हैं क्या करना चाहिए, डिस्प्ले में करता हूँ ब्लॉक कर देता हूँ अभी के लिए, काम करता हूँ, या तो मैं इन लोगों को फैला दूंगा सिंपल सी भाषा में बोलूंगा, तो ब्लॉक करने के बाद क्या हुआ, ओके ये सब नीचे आ गया जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं इन सब में एक पैडिंग दे दूंगा या तो मार्जिन टॉप दे दूंगा, बोलूंगा मार्जिन टॉप, और वो रहेगा 12 पिक्सल, 12 पिक्सल, तो कैसा हो जाएगा, सब में 12 12 पिक्सल का गैप आ जाएगा, और आई थिंक ये हो गया, बहुत सही गाइस यहाँ पर ये हो चुका है। और मैं क्या करूंगा ना, ये से थोड़ा मार्जिन लेफ्ट भी डाल दूंगा इसमें, मार्जिन मार्जिन लेफ्ट मैं कर दूंगा, मार्जिन लेफ्ट इसका 25 पिक्सल कर दूंगा, ज्यादा नहीं, 25 पिक्सल शुड बी मैक्स, एंड बिल्कुल अभी थोड़ा सा गया होगा, मैं सेम फोटोज में भी डाल दूंगा तो थोड़ा ये सही हो जाएगा, तो मैं मार्जिन लेफ्ट 25 पिक्सल डाल रहा हूँ, तो 25 पिक्सल्स, और यहाँ पर भी हो चुका है जो कि अच्छी बात है,
रन करते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है अभी। नहीं और मैं इसको भी 25 पिक्सल दूंगा, नहीं इसको मैं सेंटर करवा दूंगा, किसको, इस लिंक से इमेजेस को। तो वो कैसे करेंगे, मैं बोलूंगा जो H1 है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन टेक्स्ट इंटेलिजेंस सेंटर कर दो, बोलूंगा जो मेरा H1 टैग है, क्या बोलूंगा, जो मेरा H1 टैग दिया हूँ भैया मैंने, किसी को बताना मत, उसका टेक्स्ट जो है ना टेक्स्ट इंटेलिजेंस उसको ना देखो, किसी को बताओ मत, सेंटर मार दो, किसी को बताना मत, ये राज की बात है, क्योंकि राज की बात है, किसी को बताना मत, उसको कर दो सेंटर। और आई थिंक कर दिया होगा इनने, और कर दिया हो, कर दिया हो, कर दिया, बहुत सही कर दिया भैया ने टेक्स्ट इंटेलिजेंस अंदर। देखो अभी ये ठीक ठाक लग रहा है वेबसाइट, क्या हम इसको अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, अब वो भी देखेंगे। अभी के लिए देखो यार ये इतना बहुत है, मैक्स है, हम लोगों ने यहाँ पर इमेजेस डाला, यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत उसको स्टाइलिंग भी किया, ये सब किया जो कि एक मैक्स है। तो अभी जो ये लिंक है, अभी आप देखो तो यहाँ पर मेरे को एक लिंक मिल रहा है, मैं इसको वेब सर्च करता हूँ तो ये देखो क्रोम में खुल रहा है और यहाँ पर भी मुझे देखने मिल जाएगा लिंक्स एंड इमेजेस। गूगल पे क्लिक करूंगा तो गूगल खुल जाएगा, नॉट फाउंड माय वेबसाइट, नॉट फाउंड व्हाई, लेट्स चेक इट आउट, ऐसा क्यों, मैंने यहाँ पर लिंक्स डाले तो हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, माय वेबसाइट पे क्लिक किया मैंने, गो नॉट फाउंड, रन, गो टू रेपलिट HTTP, पूछता मतलब क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। मैंने यहाँ पर ए में google.com डाला, हंटिंग कोले डॉट में डाला, क्या मुझे HTTP: ऐसा डालना पड़ेगा, HTTP: ऐसे कुछ रहता है ना लिंक्स। एक सेकेंड में काम करूंगा यहाँ पर, हंटिंग को डॉट मी में जाता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, फटाफट से मैं एक काम करता हूँ, देखना चाहता हूँ कैसा दिख रहता है लिंक्स का। हाँ HTTP: ठीक है HTTPS: आएगा, ठीक है तो मैं लेटेस्ट चेक इट आउट कर देता हूँ, HTTPS: हंटिंग को डॉट मी, लेट्स चेक इट आउट। अब मैं इसको रन करूँ, या तो देखो अभी के लिए शायद से नहीं खुलता होगा, ऐसा कुछ होगा प्रॉब्लम उन लोग का, देखो कुछ भी हो सकता है ना, बात बात कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो माय वेबसाइट ओके, HTTP की वजह से सब हो रहा था, मैंने डाला HTTPS तो वो सब सही हो जाएगा, HTTPS: इनको मतलब प्रॉपर लिंक देना पड़ता है आपको, तो ये काम करेगा HTTPS: अब देखो सारे काम करेंगे, मैं इनको ऐसा करूंगा, देखो वेब व्यू में मेरा वेबसाइट भी आ गया है, मैं इसको बोलूंगा वेब सर्च कर दो फटाफट से, और वेब सर्च करने के बाद मैं अगर वेबसाइट पे क्लिक करूंगा तो मेरा वेबसाइट गूगल चचा YouTube.com और यहाँ पर YouTube मेरा खुल जाएगा। चलो बहुत सही हो जाता है, और यहाँ पर मेरा एक प्यारा सा इमेज है, क्या मैं इसको अपने कमरे में भी देख सकता हूँ, तो हाँ मैं देख सकता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो प्यारे से लिंक है इसको शेयर कर सकते हो इन योर कंप्यूटर, या तो आप व्हाट्सएप के द्वारा भी कर सकते हो, मेरे पास लिंक तो विंडोज कर दूंगा, तो मेरे पास डेस्कटॉप है, मैं उसको मैं सेंड करूंगा तो मेरे उसमें चालू हो जाएगा। तो सक्सेस हो चुका है, और यहाँ पर आई थिंक खुल गया होगा, बट अभी तक खुला कुछ नहीं है, मुझे लगता है मे भी टाइम लेगा, बट आप कर सकते हो ऐसा, या तो आप ये लिंक कॉपी करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उसे मैं कॉपी लिंक करके जिसको भी मेरे को सेंड करना रहेगा, मैं अपने व्हाट्सएप के द्वारा भी सेंड कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम के द्वारा सेंड कर सकता हूँ, हर एक चीज के द्वारा आप कर सकते हो, और मोबाइल के अंदर कोडिंग करने का मजा देख सकते हो, और ये रैपिड के द्वारा भाई कोडिंग करना आसान हो गया। अभी अभी जिसको भी लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं देखो मैं फ्रेश फ्रेश गूगल क्रोम खोलूंगा, मैं ये सब बंद किया, देखो मैंने क्लोज ऑल टैप कर दे रहा हूँ, देखो क्लोज ऑल टैप किया। अब इस क्लोज ऑल टैप करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और ओके यहाँ पर मेरे ओपेरा में खुल चुका है अभी, और मैं आपको कैसे दिखाऊं, हाँ मेरे पास एक तरीका है, मैं कैमरा में रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, तो एक सेकंड मेरे ओपेरा में खुल रहा है लिंक, तो एक सेकंड यहाँ पर अभी तक हुआ क्यों नहीं ओपेरा में चालू, अः
टाइम ले रहा है। लेकिन अभी देखो मैं यहाँ पर मैंने मोबाइल में पहले चालू करता हूँ। देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा, जाऊंगा अपने गूगल पे। गूगल देखो एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश है, न्यू टैब है। मैं यहाँ पर आया, पेस्ट। देखो मेरे को लिंक क्या दिया है इन्होंने, http://http://coding-in-mobile.code-with-with-with3.ripple.co। देखो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ, आप जाके विजिट करना, सर्च। इट्स ओपन, मेड बाय रेप्लिट। रेप्लिट का ये फायदा आता है मेरे को जो अच्छा लगता है ज्यादातर, दिस साइट कांट बी रीच लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट। ओके मैंने कुछ कर दिया है तो जिसके वजह से कनेक्शन बोल रहा है कि कनेक्शन आपको करना पड़ेगा पहले, तो देन रन होगा। पर यहाँ पर रेप्लिट में चालू हो गया है आई थिंक, और या आ चुका है, ये आ चुका है मेरे लैबी में, आपको दिखाता हूँ मैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कैमरा को ऑन करूंगा। आइए देखो गाइस, आप देख सकते हो कोडिंग इन मोबाइल डॉट कोड डॉट विथ 3.repl.com। यहाँ पर देखो ये आ चुका है एकदम, देखो प्यारा सा रेपलेट में खुला है। यहाँ पर ये मेरे किस में खुला है पता है, ये मेरे ओपेरा में खुला था, और यहाँ पर मैं ओबीएस में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वही चेक करने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा था ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अगर आप लोग भी मोबाइल में कोडिंग करने का ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है मेरे को कमेंट करके बताना। अगर आप लोग को इसके ऊपर भी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट चाहिए जहाँ पर मोबाइल के अंदर वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करें, तो कमेंट करके जरूर से बताना। मैं इस पे भी फिर सीरीज बनाऊंगा जो कि बहुत अच्छा लगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।